सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज है अपनी चार धाम सीरीज की लास्ट धाम की राइड, यानी कि अपनी यमुनोत्री राइड। पे हम लोग गंगोत्री में, जैसा आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, हम लोगों ने गंगोत्री धाम के दर्शन कर लिए थे और साथ में जो डोली है वो भी जा रही थी गंगा मैया की अपने वापस क्या कहते हैं ससुराल, जिसका नाम है मटली गाँव। तो वो लोग वहाँ निकल चुके हैं और हम लोग ने भी अपनी पूरी पैकिंग कर दी, जैसा मेरे पीछे देख रहे हो दोनों लोग रेडी है, खाली मेरे को जैकेट पहनना है, मैंने निकलना है और खाना अपना हो चुका है। तो एक काम करें, ज़्यादा बात जो है ना सीधा बाइक पर बैठे करते, क्योंकि यहाँ से सफ़र बहुत ही लंबा है और पहुँचने में लग जाएगा बहुत ही ज़्यादा टाइम हम लोगों को और लेट हो चुका है काफ़ी। तो मिलते सीधा बाइक्स पर। अब निकल चुके हम लोग गंगोत्री धाम की पार्किंग से और जितना भी आप जो ट्रैफिक देख रहे हो सारे लोग श्रद्धालु हैं जो आ रखे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। हम लोग भी कल रात थोड़ा लेट पहुँचे थे, अगर थोड़ा टाइम पे होते, अगर हमें सुखी टॉप पे थोड़ा जाम नहीं मिलता, ओ तेरी देख लो कितनी भीड़ है, और अगर हमें सुखी टॉप पे जाम नहीं मिलता तो हम कल ही दर्शन कर लेते। पर कोई नहीं, वो कहते ना जो होता है जैसा होता है अच्छे के लिए होता है। उनके दर पे आए हो तो क्या टाइमिंग के बारे में सोचना। तो एक और वाटर क्रॉसिंग आते हुए इस रूट पे हमारी, और मैं निकलूंगा यहाँ से। ओके ओके ओके, तो बाइक को नहलाना भी तो था यार, इतनी गंदी हो रही है, बाइक वॉश भी नहीं हुई है पता है। और पहुंचने वाले हम लोग नीचे सुखी टॉप से। और यहाँ से अभी उत्तरकाशी रह गया है 55 किलोमीटर्स। असल का बात बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा बाइक चलाने का, बिल्कुल भी लिटरली ये वाले इससे पूरे दर्द कर रहे हैं ये दोनों हाथों के, बहुत गंदी तरीके से। आप टर्न में आराम से चलाई जाए। यहाँ रखो थे केडी वाटरफॉल के सामने बिल्कुल ही, इधर है दुकान, यहाँ पर थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी, नमकीन खाई, सोचा था गन्ने जूस पीएंगे, पर भाई के रेट सुन के मुझे ऐसे लगा जैसे हार्ट अटैक सा आ गया मुझे। तो 40 रुपए का गिलास, मेरी तो हालत ख़राब हो गई इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। एक काम है ना, 40 रुपए के हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे वही सही रहेगा, है ना। 120 रुपए भाई तो बर्बाद करने से अच्छा हम अपना 50 रुपए के अंदर काम ना कर ले। तो यही है और सब कुछ रेडी है, थोड़ा टाइम से हम लोग चल रहे हैं डिले। और जब माता कुछ बाइकर्स आ रखी है महाराष्ट्र से, और भी लोग हैं, ये सारे यहाँ पर पूरी गैंग महाराष्ट्र से, और हम लोग निकल रहे हैं आगे क्योंकि उत्तरकाशी यहाँ से अभी भी रह गया 10 किलोमीटर और उसके आगे पड़ेगा गंगोत्री का कट। जैसे यहाँ से दिखा रहा है केडी वाटरफॉल से यमुनोत्री का जो कट आएगा 31 किलोमीटर बाद पड़ेगा, और डोडी ताल दो रास्ते कटना दूरी कर जाना, एक तो 22 किलोमीटर से है और एक और रास्ता 15 किलोमीटर से। रुक गई बारिश, ओ भाई चिड़ा आगे तक डाला उसी से थोड़ा यही हो रहा मार दा। बारिश हो चुकी है बंद, देखा यही हो रहा है, एकदम से बारिश हुई फिर बंद हो गई। तो निकलते हैं आगे, मौसम तो खुला हुआ है पर आगे यमुनोत्री घाट में मौसम ख़राब हो सकता है, तो ये करने एक मिनट का। तो मैं गोप्रो डाल रहा हूँ अंदर, क्या पता अंदर फिर बारिश हो जाए तो और दिक्कत हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे सीधा थोड़ी देर बाद।
तो भाई मौसम तो कुछ ऐसा ही है आज, मेरा ऐसा मैं चाह रहा मौसम का टेबल दिखाऊँ। देखो उधर की तरफ कहीं धूप निकल रखी है, इधर तो पूरा मौसम ऐसे ही है। तो एक काम करते हैं, GoPro को रखता हूँ अंदर और राइड करते हैं। आगे जैसे जाके कुछ अपडेट आएगा आप लोग अपडेट दूंगा, तब तक हम लोग राइड कर लेते हैं। जितनी लंबी राइड हो पाए उतनी लंबी राइड कर लेंगे। तो मिलते हैं सीधा आपसे बाद में। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं और हमने 6.5 घंटे के अंदर अंदर हमने 186 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिए। और इस टाइम पर हम लोग हैं बारकोट बाईपास की तरफ, और यहाँ से जो जान की चट्टी रह गया है वो रह गया ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स के अराउंड रह गया है। और ऊपर के आसार अभी भी बारिश के हो रखे हैं, पीछे तो हमें कहीं बारिश मिली नहीं है, पर ऊपर के देख के आसार लग रहा है कि पक्का 110%। और भैया बता रहे हैं कि पीछे पूरी बारिश होने वाली है। और पीछे गए भैया कहीं गए पूरा ये डोरमेट्री है देख सकते हो, 8 कमरों का बेड है, आराम से आपको स्टे मिल जाए। अगर आप थोड़ा लेट हो जाते हो तो यहाँ पर मिल सकता है आपको। और ये बस बारकोट बाईपास के पास ही है, जैसे आप यमुनोत्री रोड पे आओगे आपको दिख जाएगा। तो फिर काम में ज़्यादा लेट नहीं करते यार, और निकलते हम भी यहाँ जल्द से जल्द, क्योंकि ऊपर पहुँचने में हमें भी टाइम लग जाएगा। अभी यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे पहुँचते, क्योंकि ऊपर की थोड़ा रोड भी ख़राब है। 25 से 30 किलोमीटर तक की तो रोड बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसी रोड बनी हुई है, उससे आगे रोड चल रहा है काम। और फिर शायद ऊपर भैया कह रहे थे बारिश भी हो सकती है, तो वो भी देखना पड़ेगा उसका भी सीन क्या है। तो अगर बारिश भी और टाइम लग जाएगा तो एक काम है ज़्यादा लेट नहीं करते, निकलते हैं यहाँ से और सीधा आपको मैं ऊपर पहुँच के मिलता हूँ अब, क्योंकि शायद हो पाए तो आज ही हम ट्रैकिंग भी स्टार्ट कर दें अपनी, अगर सब कुछ सही रहा तो। यार आप लोगों को दिख तो रहा नहीं होगा ऊपर में, पर एक बार एक चीज़ दिखाऊँ, ये देख लो पत्थर जो है भाई, ये जस्ट कुछ देर पहले गिरे और अभी ऊपर हमारे ना एक पहाड़ है भाई। हम लोग आगे गए हुए थे, वो तो अच्छा हुआ एक टैक्सी वाले बंदे ने रोक लिया हमें कि आगे मत जाओ पत्थर गिर रहे हैं। लवकुश और धीरज आगे गए, मैं पीछे खड़ा ही हुआ था, एकदम से पत्थर गिरने की आवाज़ आई और हालत ख़राब सबकी। मैंने कहा भाई मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं आगे जाना, मैं तो जाऊँगा पीछे। और ये देखो पत्थर इधर कभी गिरे हैं ये सारे, जब आए तब नहीं था ये रोड पे, हालत ख़राब। सोचा नहीं था कि ऐसा भी भयानक सीन देखने के लिए मिलेगा, सच बोल रहा हूँ। इतना जगह जहाँ पर देख रहे हो जो छोटे मोटे दिखाई दे रहे होंगे शायद, तो ये ऐसा सीन है। अब सब कुछ देख कर लग रहा है जो भी हुआ है अभी हुआ है, मैं डर गया हूँ भाई, ये तो मेरी फट चुकी है, मेरी हिम्मत नहीं है अब। भाई यहाँ नहीं रुक रहे हो भाई, यहाँ से भी गिरने का डर है भाई, चल रहे वापस आगे की तरफ भी, पुल पार करने के पुल वाला पुल पार करने के बाद। हाँ भाई देख रहा है, ये देख सामने, देख तेरे सामने गिरा होगा जो भी गिरा होगा अभी भी रोड ये सामने देख। तो भाई मैं तो नहीं रुक रहा यहाँ पे बिल्कुल भी, एक तो रोड पे चल रहा है काम और उसके चक्कर में एक अलग सीन चल रहा है, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को क्या ही गंदा सीन है। और इससे भी गंदा सीन तो भाई नीचे है, एक ब्रिज दिखाता हूँ जिससे हम अभी आए थे पार करके, मैं सही कह रहा हूँ हालत ख़राब है। पता नहीं GoPro में आपको क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा, फुटेज का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, पर हाँ
भाई साहब चार धाम यात्रा का जो सबसे डेंजरस जो रास्ता है अभी तक का मेरे लिए वो यही है। पहले भी छोटे मोटे पत्थर गिरते हुए दिखाई दिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कल आ रहे थे तो रुद्रप्रयाग से पहले पूरा एक छोटा सा होता ना मिट्टी का टीला टाइप का वो फिसल गया था, तो कोई दिक्कत नहीं उसकी। और अब ये देखना यहाँ पर क्या हाल है पानी का, दिखाता हूँ। ये देखो अब तो फिर भी थोड़ा बहुत कम हो गया, पर पहले और एक मिनट आराम से बाइक स्लिप हो रही है, आराम से बाइक स्लिप हो रही है। भाई कोई फायदा नहीं है जाने का, जगह ले लो पीछे ही। पता नहीं कहां ही पहुंच जाएंगे वो। भाई मत जा, पत्थर गिर रहे हैं। भाई सबको बताते चलो, भाई पत्ते गिर रहे, मत जाओ। तो बहुत ही स्केरी मामला है ये, मैं सही कह रहा हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे यार रूम पे, मेरे को फुल कॉन्सेंट्रेशन करके बाइक चलानी पड़ेगी। वैसे तो आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, पर फिर भी मिलते हैं आपसे बाद में। अब बाय, सबको गाड़ी को यहीं रोक दो, फायदे में रहोगे कि फायदा नहीं, वापस आना ही है सबने। तीन है, तीन तो भैया भी बस पुलिस वाले भी होगा, हम लोगों ने बताया कि फ़ायदा नहीं ऊपर जाने का और नीचे आ गए सेफली। पहले यहाँ रुकते हैं, हाँ